सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई विकास मंगल, साइंटिस्ट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो इस वीडियो में बात करूंगा लिंकेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JRF में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो इन दिस वीडियो आई विल कवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लिंकेज, द कपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज लिंकेज, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज एंड द यूजेज ऑफ लिंकेज इन द प्लांट ब्रीडिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द लिंकेज, नॉट वेस्टिंग मोर टाइम। सो फ्रेंड्स, जनरली वी ऑल नो दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट जीन्स आर लोकेटेड इन दी क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम बिहेव एज ए यूनिट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम वुड मूव टूगेदर टू द सेम पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका मतलब जो जीन जो कि एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, दे वुड फेल टू शो द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन और वो एक साथ में इनहेरिट करेंगे। ठीक है ना, तो इसी चीज को सट्टन ने किस में बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया। ठीक है ना, अभी इसे लिंकेज कंसेप्ट नहीं आया, ये सारी चीज किसने बताई, सट्टन ने बताई, जब जीन और क्रोमोसोम का जो पैरेललिज्म नेचर बताने के लिए जो बात हो रही थी। ठीक है ना, बात ये बता दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्चुअली में एक टर्म होता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। ठीक है ना, तो जो इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेशन है उससे जो डेविएशन है वही एक्चुअली में क्या है, लिंकेज है। तो अभी लिंकेज का कंसेप्ट नहीं आया क्योंकि अभी हम मॉर्गन पर नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई द वैटसन एंड पुनेट इन 1905। जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन था उससे डेविएशन सबसे पहले वैटसन पुनेट ने देखा, और ये किस में देखा, फ्लावर कलर एंड पोलन शेप इन पी में देखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो टेस्ट क्रॉस रेशियो था, ठीक है, जनरली देखो F2 का डाईहाइब्रिड का मतलब डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो जनरली क्या होता है, 1:1:1:1। ठीक है, मतलब कि ये पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट, मतलब पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट सब क्या होते हैं, 25:25:25:25। इसका मतलब ये है नॉर्मल डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो जो वैटसन पुनेट, तो इनको इनसे थोड़ा सा डेविएशन दिखा, तो इनको ये वाला कॉम्बिनेशन मिला, 7:1:1:7। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 7 है ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड दीज टू आर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो तब इन्हें लगा कि कुछ कोई ना कोई फिनोमेना यहाँ पे है। तो फिर इन्होंने क्या दिया, वैटसन पुनेट ने दिया कपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज फिनोमेना। ठीक है, वैटसन पुनेट प्रपोज टू न्यू टर्म, कपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज। ठीक है, ये आज भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 7:1:1:7 है ये कैसे आया, इसको ये नहीं बता पाए कौन, वेटसन एंड पुनेट। ठीक है ना, अब देखिए मेनली जो जो कंसेप्ट था किसका, लिंकेज का, वो आया मॉर्गन से, मॉर्गन 1910। ठीक है ना, ये ARS के इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो इसने किस में स्टडी करी, इसने स्टडी करी वाइट आई जीन, W जीन ने ड्रोसोफिला में, उसमें इसने स्टडी की। ठीक है ना, और ये किस पे प्रेजेंट रहता है, वाइट आई जीन ये प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है ना, इट इज लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद इसने कई सारे अदर सेक्स लिंक्ड जीन की भी स्टडी की। ठीक है, 1910 में इसने स्टडी की। अब 1911 में, 1911 में इसने एक्चुअली क्या कहा, तो इसने कहा कि जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, और इसी को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, ये बात इसने कही। दूसरा दूसरा मॉर्गन ने कहा 1911 में कि जीन्स आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन इन द क्रोमोसोम। जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर कैसे अरेंज होते हैं, लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट जो होते हैं वो ARS में मेंस के समय लिखने के लिए काम में आते हैं, ऐसे पॉइंट। ठीक है, और तीसरी पॉइंट इसने कही कि भाई जो कि दो इंटेंसिटी ऑफ जो लिंकेज है, लिंकेज की जो इंटेंसिटी है बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द क्रोमोसोम। जो जो जीन्स की क्रोमोसोम पे जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज, मतलब डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा लास्ट इसने कहा कि जो कपलिंग और रिपल्सन फेज है दे आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फिनोमेना विच इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, जो वैटसन और पुनेट ने जो कपलिंग और रिपल्सन फेज दी थी वो एक्चुअली में लिंकेज के ही एक फिनोमेना है। ये मॉर्गन ने वाइट आई जीन ऑफ ड्रोसोफिला में जो 1910 में जो स्टडी करी उसके 1911 में इसने चार चीज़ें दी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
अब हम आते हैं लिंकेज पे। लिंकेज की डेफिनेशन क्या होगी? लिंकेज की डेफिनेशन ये होगी, द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ठीक है ना, ये आपकी क्या होगी, इसकी वो होगी। अब देखो क्यों क्यों, क्योंकि टू और मोर जीन्स आर लिंक टूगेदर बिकॉज बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। यदि दो जीन एक साथ में इनहेरिट हो रहे हैं, इसका मतलब कि दे आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, एंड इसकी खास बात क्या होगी, दे डोंट शो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा तो लिंकेज कम हो जाएगी या नहीं होगा, तो इसलिए द जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम दे डोंट शो द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। ठीक है, अब देखो जनरली जो F2 का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9331 और डाइहाइब्रिड का टेस्ट स्कोर तो 1:1, इसका मतलब इन केस ऑफ लिंकेज इट विल डेविएट, सो वी विल नॉट गेट दिस रेशियो एंड वी विल नॉट गेट दिस रेशियो, सो इट विल डेविएट फ्रॉम दिस टू रेशियो। सो उसमें होगा क्या कि जनरली हमें जो टेस्ट क्रॉस रेशियो हम उससे ज़्यादातर पता करते हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट क्रॉस रेशियो यहाँ पे सब बराबर है, लेकिन इन केस ऑफ लिंकेज पेरेंटल करेक्टर कॉम्बिनेशन ज़्यादा आएंगे, इंक्रीज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, उनमें इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए वो जो है 1:1:1 ये ज़्यादा डेबिट करेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं, दो टाइप की लिंकेज होती है, एक तो कपलिंग फेज एक रिपल्सन फेज। ठीक है ना, तो कपलिंग फेज का मतलब है जब डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी और जो रिसेसिव रिसेसिव वो एक साथ हो। ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या है, कपलिंग फेज है, मतलब डोमिनेंट एलील ऑफ लिंक्ड जीन्स लिंक टुगेदर और रिसेसिव एलील्स ऑफ लिंक्ड जीन लिंक टुगेदर। ठीक है, जो हचिंसन साइंटिस्ट था उसने मेज में क्या किया, इसने दिया कि भाई जो सीड का जो कलर है, ठीक है ना, सीड का जो कलर है उस और वो कलर्ड है या कलरलेस है, और एक उसका जो साइज है, मतलब कि वो फुल है या श्रृंखला है। ठीक है ना, तो देखो कपलिंग फेज का मतलब मैंने क्या बताया कि जब डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हो, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ हो, तो इसने पहले क्रॉस कराया, जैसे इसमें कैपिटल सी जो कि क्या था, कलर्ड को गवर्न कर रहा है, और एस किसको गवर्न कर रहा है, शेप को, तो ये फुल है। ठीक है, तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल एस किस कैपिटल एस का इस क्रॉस किससे कराया, स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल एस, तो ये क्या हो गया कलरलेस, क्योंकि स्मॉल सी मतलब कलरलेस और स्मॉल एस मतलब श्रृंखला। ठीक है, तो कैपिटल सी गवर्न कर रहा है कलर्ड सीड को और स्मॉल सी गवर्न कर रहा है कलरलेस को, कैपिटल एस गवर्न कर रहा है फुल सीड को फुल शेप और स्मॉल एस गवर्न कर रहा है श्रृंखला को। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका कपलिंग, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ और रिसेसिव रिसेसिव एक साथ। ठीक है, तो ये गैमेट बनाएगा कैपिटल सी एस, ये बनाएगा स्मॉल सी एस, तो ये आपका F1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, F1 है फर्स्ट फिलियल प्रोजनी, तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल सेल, तो ये हो गया कलर्ड फिल। ठीक है, अब मैंने बताया कि लिंकेज को मेनली जो डिटेक्ट करते हैं वो हम करते हैं टेस्ट क्रॉस रेशियो से, और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 का हम किससे क्रॉस करते हैं, डबल रिसेसिव से, रिसेसिव पेरेंट से दोबारा से क्रॉस करेंगे इससे। ठीक है, तो ये चार आएंगे, ये तो आपको पता है, दो तो पेरेंट आएंगे दो रिकॉम्बिनेंट आएंगे। अब लिंकेज यदि नहीं होती तो ये चारों क्या आते, बराबर आते, 1:1:1:1 रेशियो आता, लेकिन यहाँ पे टोटल प्लांट्स में से देखो ये बता रहा है 4032 आ रहे कलर्डफुल, 4035 वाले कलर श्रृंखला, और ये आ रही है। अब देखो कलर्डफुल ये पेरेंट हुआ P1, कलर्ड श्रृंखला ये वाला पेरेंट हुआ। अब ये दो क्या आए, नए रिकॉम्बिनेंट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रीशफलिंग हुई है जीन में। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेरेंटल टाइप है, मैंने लिख रखा है पेरेंटल टाइप जो है वो आपके जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है इससे क्या आए, बहुत ज़्यादा आए नंबर में, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है ना, और ये कपलिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ थे और रिसेसिव रिसेसिव एक साथ थे, ये कपलिंग फेज लिंकेज मेज ने हचिंसन में। अब देखिए रिपल्सन फेज लिंकेज भी हचिंसन ने मेज में स्टडी करी, तो वहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन लिंक्ड विद द रिसेसिव एलील ऑफ द अदर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट डेफिनेशन दे नहीं पाते, इसलिए इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन लिंक विद द रिसेसिव एलील ऑफ द अदर, तो इसका मतलब कैपिटल ए हमेशा स्मॉल बी के साथ आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आएगा, ये एग्जाम्पल की तरह मैंने पुट किया। जैसे अब पुराने ही एग्जाम्पल में हम लें, तो यहाँ पे स्मॉल सी को हमने ले लिया कैपिटल एस के साथ, तो स्मॉल सी मतलब कलरलेस, कैपिटल एस मतलब फुल, तो ये गैमेट बनाएगा स्मॉल सी कैपिटल एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, तो ये कैसी लिंकेज हो गई, रिपल्सन फेज लिंकेज हो गई। ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल सी ले लिया, तो यहाँ हमने ले लिया कैपिटल सी और स्मॉल एस, तो मतलब ये हो गया कलर्ड
स्मॉल एस मतलब संकर, तो ये गैमिट बनाएगा कैपिटल सी स्मॉल एस, ठीक है। एफ वन आ गया ये कैपिटल सी कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये हो गया कलरफुल, ठीक है। अब वापिस हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ लिंकेज के लिए सबसे अच्छा मेथड है टेस्ट क्रॉस का रेशियो देखो, ठीक है। अब नॉर्मल डाईहाइब्रिड का रेशियो भी देख सकते हो, जो कि 9:3:3:1 है, उससे यदि डेविएट हो, लेकिन सबसे अच्छा है टेस्ट क्रॉस का रेशियो देखो, ठीक है। आपने इसका दोबारा से टेस्ट क्रॉस रिसेसिव फिनोटाइप रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस किया, वापिस चार आ गए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आनी चाहिए, तो हम चेक करते हैं। तो देखो हमारा है कलरलेस फुल पहला पेरेंट, तो ये हो गया पहला पेरेंट, सही है। दूसरा पेरेंट है कलर्ड श्रृंखन, तो ये हो गया दूसरा पेरेंट। तो देखिए इसमें हम देखा जाए तो दो पेरेंट हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट। तो देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन के नंबर रिकॉम्बिनेंट से फिर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिंकेज है। तो मतलब चाहे कपलिंग फेज लिंकेज हो, चाहे रिपल्सन फेज लिंकेज हो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन या पेरेंटल टाइप्स हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक दो टाइप लिंकेज और होते हैं, कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब लैक ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि बिल्कुल ही क्रॉसिंग ओवर नहीं हो। जैसे कि जैसे मान लो ये आपका एफ वन है, ठीक है ना, ये आपका एफ वन है, मान लो इससे केवल दो ही गैमिट बने, क्या एक तो बने कैपिटल सी और कैपिटल एस, ठीक है, एक बने स्मॉल सी और स्मॉल एस, मान लो इससे केवल दो ही गैमिट बने और इससे तो एक गैमिट बनेगा। तो इसका मतलब यदि इनमें क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल ही नहीं है एफ वन में, तो दो गैमिट बनेंगे, दो गैमिट बनेंगे तो जितनी जो प्रोजनी आएगी वो क्या आएगी, ये किस रेशियो में आएगी, 1:1, 1:1 का मतलब कि केवल दोनों पेरेंट आएंगे, जो दोनों पेरेंट हैं वही दोनों पेरेंट आएंगे केवल, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है, एब्सोल्यूट लिंकेज है, ठीक है। सो इट मीन्स ओनली द पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म, ठीक है ना। तो 1:1, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कंप्लीट लिंकेज का, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मोथ, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब कि देखिए जो लिंक्ड जीन होते हैं ऐसा नहीं होता कि उनमें कंप्लीट लिंकेज हो, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन तो होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि जो ये आपका एप बना है उसमें अगेन चार टाइप के गैमिट बनेंगे, दो तो ये और दो और बनेंगे रिसफल होके, तो जो प्रोजनी आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो ये जो हमने पढ़े हैं अभी ऊपर कपलिंग और रिपल्सन, फिर ये एक तरीके से इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर आल्सो रिकवर्ड इन द टेस्ट क्रॉस प्रोजनी, मतलब कि जो 7:1:1 और 7:1 है वो किसका एग्जाम्पल है आपका इनकम्प्लीट लिंकेज का, मतलब कि थोड़े बहुत तो रिकॉम्बिनेंट आएंगे, ठीक है ना, इसमें क्रॉसिंग ओवर थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। एक आता है कंसेप्ट लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप मतलब ऑल दो जीन्स विच आर लोकेटेड इन दी वन क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, ठीक है। ऐसे सारे जीन जो कि एक ही क्रोमोसोम पे हो वो क्या बनाते हैं, ठीक है, एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जो लिंकेज ग्रुप है उसका नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि देखो हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर मतलब कि एक क्रोमोसोम पे सारे के सारे जीन है, जैसे मेज में 2n = 20 है, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए 10, ठीक है। पी में कितने 14 है क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर के बराबर 7 हो गए, ठीक है। अब देखो डिटेक्शन ऑफ लिंकेज इन जीन कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेस्ट क्रॉस है वो क्या है मोस्ट कॉमन मेथड है, मतलब कि जैसे आपके पास एफ वन है वो हेटेरोजाइगस है, उसका क्रॉस किससे करोगे डबल रिसेसिव से, ठीक है। और उसका जनरल रेशियो यदि ये आता है 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, तो इसका मतलब कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है ना, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। यदि इफ दिस रेशियो डेविएट, यदि ये डेविएट होता है तो इसका मतलब कि लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब नॉर्मल इसकी सेल्फिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो 9:3:3:1 रेशियो उससे यदि डेबिट हुआ तो भी लिंकेज है, ठीक है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट हैं, तो लिंकेज सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, पहला इफेक्ट ऑफ सेलेक्शन, मतलब कि जनरली क्या होता है कि जब कोई जीन ट्रांसफर करते हैं डिजायरेबल जीन, उसके साथ में मान लो कि कोई दूसरा जीन लिंक्ड में है, लिंक है मतलब कि वो डिजायरेबल है और उसके साथ लिंक है, तो इसका मतलब कि सेलेक्शन ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक के साथ में दूसरा जीन भी साथ में ट्रांसफर हो रहा है, तो ब्रीडर को फायदा होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका इफेक्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, और तीसरा है आपका इफेक्ट ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन, ठीक है। देखो जेनेटिक वेरिएंस वाला ये मैंने लिंकेज जो डिसइक्विलिब्रियम की वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि जैसे जो रिपल्सन फेज जो लिंकेज होती है वो आपकी जो डोमिनेंस वेरियंस है उसको बढ़ाती है और एडिटिव वेरियंस उसको डाउनवर्ड करती है, ये वो वाला कंसेप्ट है। और इफेक्ट ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन का मतलब यही है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं एक्चुअली, तो इसका मतलब कि यदि दो पॉजिटिव जो
करेक्टर वो यदि हाईली कोरिलेटेड है, तो यदि हम एक को इम्प्रूव करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, एक तरीके से कोहेरिटिविटी टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इनकी तो मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। अब ये मैंने इस बी डी सिंह की बुक से कवर किया, कुछ पोर्शन मैंने इंटरनेट से भी लिया है, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन हो उसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। मैं ये सारी PPT आपको मेल कर दूंगा, आप बस gmail ID में कमेंट बॉक्स में डालते जाएँ, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।